हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड दिस इज टेंस टेंस का मतलब होता है काल ऐसे शब्द जो किसी एक्शन के टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट और एक्शन के बारे में बताएं, जो किसी एक्शन के टाइम के बारे में बताएं, उन्हें हम टेंस कहते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज प्रजेंटेंस पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस टेंस के तीन टाइप होते हैं प्रेजेंटेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस और इन तीनों के ही चार चार सब टाइप्स होते हैं पहला इंडेफिनिट टेंस दूसरा कॉन्टीन्यूअस टेंस तीसरा परफेक्ट टेंस और चौथा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस मतलब तीन टाइप के जो टेंसेज हैं प्रेजेंट टेंस जो कि प्रेजेंट या चल रहे समय के बारे में बताता है उसके चार सब टाइप्स हैं दूसरा है पास्ट टेंस जो कि हमें बीत चुके समय के बारे में बताता है उसके भी चार सब टाइप्स हैं और तीसरा फ्यूचर टेंस जो हमें आने वाले समय या भविष्य के बारे में बताता है उसके भी चार सब टाइप्स हैं जो कि इंडेफिनेट कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस हैं तो आइए अब देखते हैं एक एक करके इन सभी टाइप्स के बारे में सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस वी वन और वी फाइव होता है जहाँ वी फाइव है क्या तो वर वन में एस और ई एस लगा दिया जाए तो इट बिकम्स वी फाइव जैसे डू डू हमारा वी वन है और इसमें हमने ई एस एड कर दिया इट बिकम्स डज सो डज इज़ वी फाइव प्ले प्ले हमारा वी वन है और इसमें हमने एस या ई एस एड कर दिया तो ये बन गया प्लेज तो यहाँ पे एक रूल भी है कि वी फाइव का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट हो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो मतलब थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर अभी फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं द स्पीकर इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन लिसनर इज कॉल्ड द सेकेंड पर्सन लाइक यू एंड द हूम द हूम वी आर टॉकिंग अबाउट इज द थर्ड पर्सन तो ही शी एट कोई भी सिंगुलर नेम ये सभी हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में काउंट होते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ भी वही है डू का यूज़ हम करते हैं फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ और डज का यूज़ हम करते हैं अगेन विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इंट्रोगेटिव के लिए आपको इस डू और डज को यहाँ शुरुआत में लगाना होता है और आपका नया स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन ध्यान रहे कि हम डज सेंटेंस में एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर दैट वी है सेकेंड टाइम वी हैव टू यूज़ ओनली फ्यू आर गिवन आई प्ले क्रिकेट डेली अभी क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो हमने प्ले का यूज़ किया ही वॉचेज वन मूवी एवरी वीक ही डज नॉट अटेंड क्लासेज रेगुलरली यू डू नॉट नो मी एंड डू दे कॉल यू यहाँ पे एक सेंटेंस है द डू दे कॉल यू फॉर एक्सरसाइज क्या उन्होंने आपको एक्सरसाइज के लिए कॉल किया सो so, अगर हम बात करें तो जो प्रजेंट सिंपल टेंस या सिंप या प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो बताता है हेबिचुअल एक्शन्स के बारे में फैक्ट्स के बारे में यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में कभी कभी ये सिंपल फ्यूचर भी डिनोट करता है फ्यूचर टेंस की बातें भी करता है और कभी कभी हिस्टोरिकल पास्ट के लिए भी इसका यूज़ होता है विच यू विल स्टडी इन द अपकमिंग वीडियोस इसके बाद हम अगर बात करें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की कॉन्टीन्यूअस का मतलब ही है वन विच इज इन कॉन्टीन्यूटी जो चल रहा हो सो so, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ आर प्लस वी फोर अभी वी फोर क्या है तो वी फोर इज नथिंग बट वी वन प्लस आई मतलब गो प्लस आई एन जी इज गोइंग एंड गोइंग इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इंटरोगेटिव के लिए आपको इस हेल्पिंग वर्क को बस शुरुआत में लगा देना है एंड इट बिकम्स एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस डी फोर प्लस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं काफ़ी ईजी है ये आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स आर दे ऑफरिंग हेल्प टू विक्टम्स आर यू गोइंग टू विजिट पटना सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर नथिंग बट दे आर इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अगर हम हिंदी में बात करें तो इन टेंसेस में रहा है रही है रहे हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है ना थर्ड इज प्रजेंट परफेक्ट टेंस प्रजेंट परफेक्ट टेंस इसका सबसे पहले तो ये डिनोट क्या करता है ये डिनोट करता है एक ऐसे एक्शन के बारे में जो अभी तुरंत तुरंत खत्म हुआ हो जैसे मैं पढ़ चुका हूँ आप खेल चुके हैं वे लोग वीडियो देख चुके हैं तो इसका ट्रांसलेशन या सबसे पहले इसकी बात करें अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में तो सब स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट अभी वी थ्री क्या है तो जैसे गो वेंट गॉन तो वहाँ पे गॉन वी थ्री है सो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रक्चर इन इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है तो हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल्स देखें अगर हम तो एग्जाम्पल्स काफ़ी आसान हैं जैसे ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हिज लंच वो पहले ही लंच खत्म कर चुका है या उसने पहले ही लंच खत्म कर लिया हैव यू नॉट वॉच द मूवी एट क्या तुमने अभी तक मूवी नहीं देखी है या क्या तुमने क्या तुम अभी तक इस मूवी को नहीं देख चुके हो नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूसटेंस क्या है तो ये एक ऐसा टेंस है इट शोज सम एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास बट इट्स गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम जो कि शुरुआत तो पहले हुआ है लेकिन अभी भी वो चालू है सो so, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज और है इन प्लस वी फोर आप देख सकते हो परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस परफेक्ट में हैज़ और हैव था कॉन्टिन्यूस में वी फोर का यूज़ कॉमन है तो जो कुल मिलाकर नया स्ट्रक्चर जो बनता है दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वी फोर यहाँ सेंस और फॉर का इस्तेमाल होता है अदर वर्ड्स के साथ सेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम शुरुआत के समय को डिनोट कर रहे हैं और फॉर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम उस अंतराल का उस ड्यूरेशन के बारे में बता रहे हों देन वी यूज़ फॉर ऑल फ्राम इन सम केसेस अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो ही हैज़ बिन लिविंग हीयर सिंस टू थाउजेंड फाइव वो यहाँ कब से रह रहा है टू थाउजेंड फाइव से मतलब इनिशियल पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है सो ही हैज़ बिन लिविंग हीयर सिंस टू थाउजेंड फाइव लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए वो पिछले सोलह सालों से यहाँ रह रहा है अब वो कब से रह रहा है सोलह सालों से लेकिन अगर पूछी जाए बात या इफ ए क्वेश्चन इज आज कि वो किस साल से रह रहा है देन दिस एंसर इज नॉट क्लियर सो यहाँ ड्यूरेशन की बात हो रही है तो हम फ्रॉम या फॉर का इस्तेमाल करेंगे नॉ देट इज मूव द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस दैट इज पास्ट इनडिफिनिट टेंस और सिंपल पास इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम लोग डेड का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट डिड का यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं और उसके बाद हमेशा ही वी वन का यूज होता है लाइक दे प्लेड वेल उन्होंने बढ़िया खेला ही वेंट होम यस्टरडे वो कल घर गया डिड ही अटेंड द क्लास लास्ट वीक क्या उसने पिछले वीक क्लास अटेंड किया था सो so, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो कि पास्ट में घटित हुए दे आर सेट टू बी इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ता था पढ़ती थी हंसते थे खेलते थे दे और आर टाइप्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस मूविंग फर्दर वी सी द नेक्स्ट टाइप इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की तरह ही यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब प्लस वी फोर का इस्तेमाल होगा वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम इज आर था यहाँ पर वॉज वेयर होगा और बाकी स्ट्रक्चर सेम है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी और प्लस ऑब्जेक्ट अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो दे वर गोइंग फॉर अ वॉक आई वॉज सर्चिंग फॉर माई नोटबुक सो दीज ऑल आर द देंटेंसेज इन पास्ट कॉन्टिन्यूस कि वो लोग टहलने जा रहे थे और मैं अपनी नोटबुक खोज रहा था कि तलाश कर रहा था नो पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ये भी इजी है प्रेजेंट परफेक्ट में जहाँ हम हैज़ हैव प्लस वी थ्री का इस्तेमाल करते थे पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड का इस्तेमाल होगा वी थ्री के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री नेगेटिव में हैड नॉट प्लस वी थ्री और अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैड बिगिनिंग में आ जाएगा हैड हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें दे हैड नॉट ज्वाइन द पार्टी उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की या वे तब तक पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाए थे या कर सके थे हेड द ऑफर क्या उन्होंने उसे ऑफ़र हेल्प किया था एक बात ध्यान में रखने की है कि पास परफेक्ट के यूज़ में हम मोस्टली उसके साथ एक ऐसा क्लॉज का कर इस्तेमाल करते हैं जो कि सिंपल पास्ट में हो क्योंकि ये जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट का भी पास्ट होता है सो so, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें द ट्रेन हैड डिपार्टेड ट्रेन जा चुकी थी बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन मतलब उनके स्टेशन के पहुंचने के उनके स्टेशन पहुंचने के पहले ही ट्रेन खुल चुकी थी डिपार्ट कर चुकी थी तो यहाँ पे कौन सा एक्शन दोनों ही एक्शन पास्ट में है लेकिन कौन सा एक्शन पहले हुआ सो द ट्रेन हैड डिपार्टेड वाला एक्शन पहले हुआ है और दे रीच्ड लेटर वे बाद में पहुंचे सो so ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज़ का ट्रिक कि जो एक्श दोनों ही एक्शन पास्ट में होंगे और जो एक्शन पहले ही हो चुका होगा दैट इज़ सेड टू बी इन द पास्ट परफेक्ट अब इसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस पे स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जैसा ही है हैड बिन प्लस वी फोर प्लस सेंस फॉर या फ्राम यहाँ भी सेंस का यूज़ हम करते हैं फॉर पॉइंट ऑफ टाइम फॉर का यूज़ या फ्राम का यूज़ करते हैं हम डिनोट फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जैसे ही हैड बिन प्लेइंग्रिकेट सेंस नाइनटीन एटी फाइव और नाइनटीन एटी फाइव से क्रिकेट खेलता आ रहा था और हैड यू बिन प्लेइंग हॉकी फॉर लास्ट थर्टी ईयर्स क्या आप पिछले तीन साल से हॉकी खेलते आ रहे थे मतलब अब उसने छोड़ दिया बट ही हैड बिन प्लेइंग इट फॉर लास्ट थर्टी ईयर्स इसके बाद हम बात करते हैं एक और टेंस फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट की तो सब्जेक्ट प्लस शैलविल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ाई सिंपल सा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैलविल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव जैसा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में रखते हैं तो शैलविल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि वी और आई के साथ हम जनरल फ्यूचर के लिए शैल का यूज़ करते हैं यू ही और शी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं लेकिन अगर हम डिटर्मिनेशन या विलिंगनेस शो करना चाहें तो हम इसी रूल को एक्सचेंज भी कर सकते हैं एंड देट वुड ऑल्सो भी करेक्ट लेकिन जनरल फ्यूचर के लिए हम लोग अभी फिलहाल यही ध्यान रखेंगे कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ और यू ही और शी के साथ आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को आई शेल विजिट पार्क टूम कल पार्क घूमने जाऊंगा इट्स अलेंट इन फ्यूचर सो इट्स फ्यूचर इन डेफिनेटेंस दिल टीच स्टूडेंट सो बच्चों को पढ़ाएंगे वॉन्ट यू परचेज अ पेन अभी यहाँ पे जो वॉन्ट है दैट इज द कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म ऑफ विल नॉट दिस वथिंग बट इट्स अ कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म ऑफ विल नॉट वैसे ही शैंट इज़ द कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म ऑफ शैल नॉट आइए इसके बाद देखते हैं अगले टेंस को दैट इज फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस बिल्कुल प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस के तरह ही है वहाँ पे एमेजार प्लस वी फोर था वॉजवेयर प्लस वी फोर था यहाँ पे वी हैव शैल विल प्लस बी प्लस वी फोर वी फोर मैंने आपको बताया था वी वन प्लस आई एन जी सो स्ट्रक्चर्स काफ़ी ईजी और काफ़ी क्लियर हैं ना इफ वी टॉक ऑफ एक्साम्पल्स विल दे बी प्लेंग क्रिकेट इन इवनिंग क्या वे लोग शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे आई शैल बी टीचिंग ऑनलाइन बाई सिक्स पी एम इवनिंग मैं शाम को छः बजे पढ़ा रहा हूँगा या पढ़ाता रहूँगा सो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दि सेंटेंसेज इन हिंदी इसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की तरह ही जहाँ पर हैज़ हैव या हैड का यूज था तो यहाँ पे शैल विल हमने ऐड कर दिया उसी स्ट्रक्चर में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस विथ प्लस ऑब्जेक्ट और एग्जाम्पल्स यहाँ आपके सामने दिए हैं विल दे हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट एंड दे विल हैव ईटन माई लंच वे लोग मेरा लंच खत्म कर चुके होंगे और क्या उन्होंने असाइनमेंट पूरा कर लिया होगा इट डिनोट्स द सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी अनश्योरिटी Now next is future perfect continuous. Future perfect continuous it's our last tense sub type. तो structure बिल्कुल बाकी tenses की तरह ही subject plus shall will plus have plus been plus be for plus for or from या since का use नहीं होता। I shall have been providing them metals, meals from next week. मैं उन्हें next week से भोजन पहुँचा रहा होगा या पहुँचाता रहूँगा। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि चलता रहेगा अभी भी और इन फ्यूचर तक सो so, यहाँ तक तो हमने देखा टेंस के स्ट्रक्चर्स को देवर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर अगर आप सिर्फ एक प्रेजेंट टेंस का याद कर लेते हो चारों ही सब टाइप्स के लिए तो इट विल बिकम इजी फॉर यू टू लर्न अबाउट द अदर सब टाइप्स अब यहाँ पर टेंस का यूज काफी डाइवर्स है तो यहाँ पे हम एक दो एग्जाम्पल देखेंगे उनके एरर्स को लेकर ये कुछ बहुत बेसिक एरर्स हैं ज़्यादा डिटेल्ड एरर्स के लिए हम फिर किसी और वीडियो में कोशिश करेंगे दोबारा से उसे बनाने की जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं आई डजेंट ईट अलाउट यहाँ पे डजेंट लिखा है विच इज़ इनकरेक्ट ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमें पता है कि आई इज़ फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग क्या यूज़ करते, है? करते हैं डू यूज़ करते हैं सो द करेक्ट वन विल बी आई डू नॉट ईट अलाउट वैसे दूसरा एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू बार टू बाई अ कार नेक्स्ट वीक ये बता रहा है जनरल फ्यूचर कि मैं अगले वीक कार खरीदूँगा सो so, कभी कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फ्यूचर टेंस भी डिनोट करता है फ्यूचर टाइम भी डिनोट करता है इसके बाद हमारा तीसरा एग्जाम्पल है दिड नॉट दे डिड नॉट completed द वर्क जैसा मैंने आपको बताया था कि डिड नॉट इज ऑलवेज फॉलोड बाई डिड नॉट इज ने फॉलोड इज ऑलवेज फॉलोड बाई वीवन तो यहाँ पर कम्प्लीटेड के बदला कम्प्लीट का यूज सही होगा did डिड नाट कम्प्लीट द वर्क एंड फोर्थ इज योर दे हैड फिनिश्ड होम दे हैड फिनिश्ड दियर होमवर्क बिफोर टीचर हैड आस्क यहाँ हम देख रहे हैं कि दो क्लॉज हैं पहला द टीचर हैड फिनिश्ड दियर होमवर्क दे हैड फिनिश्ड दियर होमवर्क और दूसरा टीचर हैड आस्क तो कौन सा एक्शन पहले हुआ होगा उनके होमवर्क करने वाला जो एक्शन है दैट वूड हैपन अर्यर सो इसीलिए हमने इसे पास्ट परफेक्ट में रखा हैड फिनिश्ड और जो दूसरा है वो सिंपली